आप किसी भी परिस्थिति में घर के बाहर नहीं निकलेंगे एवं किसी भी प्रकार के आदेश तक दुकान को नहीं खोलेंगे। यदि आप बाहर में टहलते हुए घूमते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सुसंगत धाराओं के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी एवं आपको जेल भेज दिया जाएगा। ध्यान देंगे भेजिए इसको, जाएगा बुला। क्रिटिकल यूनिट में सर काम करते हैं, पेशेंट आया जबकि उसको सस्पेक्टेड पेशेंट था सर, फिर भी हम लोगों से काम करवाया गया, उसका बेड बनवाया गया, वेंटिलेटर ऑक्सीजन में पानी डलवाया गया, जबकि वो लोग और कोई नहीं जा रहा है, लोग ना डॉक्टर जा रहा है लोग ना सिस्टर जा रही है लोग। फिर हम लोगों को यहाँ से आदेश मिला कि आप लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना है। हम लोग जब वहाँ गए डेरा तो डेरा के अगल बगल के लोग भी हम लोगों को के साथ बदतमीजी किया। कल हम लोगों को बोल रहा है लोग कि आप लोग क्वारंटाइन हम लोग भेज रहे हैं, जितने जबकि पदाधिकारी लोग सिस्टर लोग उस पेशेंट को टच भी नहीं किया है, उन लोग को एसी होटल में रखा गया। हम लोगों को सर भेज दिया गया हुआ अथी में आपको नहीं कैंप टू में उज्जैन स्कूल में, वहाँ ऑलरेडी पहले से 8 पेशेंट मौजूद था संक्रमित, वहीं हम लोगों को भेज दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से चले तो रास्ते में तो पुलिस प्रशासन मिलेगा, हम लोगों को पुलिस प्रशासन टॉर्चर किया। हम लोग रात भर किसी तरह से छुप करके मैदान में रहे, क्या चाहते हैं कि हम लोगों को जब परिवार से अलग, हम लोगों को भी बाल बच्चा प्यारा है ना, तो जब हम लोगों को अपने बाल बच्चा के साथ रहेंगे तो वो लोग भी तो इफेक्टेड हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को भी जिस तरह से सिस्टर लोग को और डॉक्टर लोग को रखा गया है उसी तरह से हम लोगों को भी किसी होटल अच्छे होटल में रखा जाए। हम लोग आउटसोर्सिंग वर्कर हैं, हम लोग कभी भी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं भागने का कोशिश नहीं किए हैं। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है, न ढंग का मास्क दिया जाता है, न ग्लव्स दिया जाता है। हम लोग को काम के लिए प्रेरित किया जाता है, हम लोग काम करने के इच्छुक है, लेकिन हम लोग को सारी व्यवस्थाएं नहीं दी जाती है एक जो हॉस्पिटल कर्मचारी को देनी चाहिए। ऊपर से हम लोग पैदल चल के आते हैं, ना गाड़ी चल रहा है ना ऑटो चल रहा है, हम लोग ऑटो पर निर्भर है ड्यूटी करने के लिए, और हम लोग पैदल चल के आते हैं इतना दूर ड्यूटी करने, उसके बावजूद भी हम लोग के साथ ऐसा भी है। हम लोग सब काम करते हैं और इतना घर में बीवी बच्चों घर में फैमिली के साथ हम लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ है उनके साथ हम लोग रहते हैं, ऐसा व्यवस्था है हम लोग के साथ, देख लीजिए आप लोग। हम लोग को भी जैसे सेल एम्प्लॉय के साथ भेदभाव नहीं किया, हम लोग का साथ भी वैसे मिल रहा है, वैसे हम लोग को सारी फैसिलिटी दिया जाए, हम लोग उन लोग से कम काम नहीं करते हैं तो सेम फैसिलिटी हम लोग को भी दिया जाए।